को लेके, परवेश को भी, खुशी को भी लेके स्कूल गई थी, क्योंकि ड्रेस भी मिलने बैठ गई, बुक भी मिलने बैठ गई। परवेश की बुक तो मैं पहले ही लेके आई थी, और खुशी के लिए बुक तो है, परवेश की बुक है, 8th की मतलब टेस्ट बुक है, वर्क बुक में दुकान से लेके आई है। और नोटबुक हमारे पास है, पिछले कोरोना के टाइम की नोटबुक है, दुनिया भर की पड़ी है, तो मैंने बोले लेना नहीं है, तो आज गई थी मैं ड्रेस लेने के लिए। तो अभी क्या बोला, पहले ड्रेस लेने आओ, गए तो बोला अभी बड़ा सा है, हमारे बच्चे अभी 9th 10th में ही गए, 8th में ही गया, तो बोले बड़े बच्चों का ड्रेस अभी हम मंगाया नहीं, बड़े बच्चों का मतलब बड़ा साइज नहीं मंगाया, आया तो 10th वालों का था, लेकिन मेरे बच्चे थोड़ा हेल्थी है, तो बोले इतने बड़े ड्रेस नहीं है, तो मैंने बच्चे के अभी दाउट में जाएंगे, अभी जिस जहाँ दुकान से कपड़े सिल के जाते हैं ना ड्रेस हैं, तो उधर गई थी मैं अभी, क्योंकि स्कूल से भी मुझे कपड़ा ही लाना है, तब लाएगी, कब सिलाई, काले बच्चों को बांधने पनिशमेंट मिलेगी। आज से 6 तारीख 15 तारीख से स्कूल खुल रहा है, तो मैंने बोला दे देती हूँ, 15 तारीख जाएगी तब सिल के कब देगा, तब भीड़ भड़ाका ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जब देना ही है तो टाइम से कपड़े सिलने के लिए दे देती हूँ। तो अभी गई थी दुकान में, तो एक ड्रेस परवेश के लिए दिया सिलने के लिए, और एक ड्रेस गुड़िया के लिए दिया सिलने के लिए। मैंने बोला अगर अच्छा सिलेगा तो गुड़िया के लिए 2 ड्रेस सिलानी है मेरे को इस बार, क्योंकि एक ड्रेस बहुत भारी पड़ रही, कभी बारिश बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि 4 महीने कंटिन्यू अब मुंबई में बारिश रहेगी, तो कभी टाइम मिलता है धोने के लिए, कभी नहीं मिलता है, चल धोने के लिए 2 भी लेंगे, लेकिन सूखता नहीं है ड्रेस, इसलिए गुड़िया को मेरे को 2 ड्रेस सिलाना है, क्योंकि परवेश का तो अभी एक ही साल, यही साल है उधर 10th में, बस उसके बाद तो वो कॉलेज चला जाएगा, गुड़िया का 3 साल है, 8th है 9th है 10th है, तो मैंने बोला 3 साल के लिए 2 ड्रेस सिला देती हूँ, झंझट भी ख़त्म हो जाती है। तो पहले एक ड्रेस सिलने के लिए दिया, मैंने बोला अगर अच्छा सिलेगा तो दूसरी ड्रेस भी देगी सिलने के लिए। तो आते आते बहुत लेट हो गया, और घाम हो गया, इतना हालत ख़राब हो गया, इतनी हालत ख़राब, यहाँ से स्कूल गए थे हम 11:15 पर, वहाँ से आते आते 12:45 हो गया, अभी आ रही हूँ। मैंने गुड़िया को भेज दिया घर पर, परेश ने बोला लस्सी पीते हुए, परेश ने लस्सी पिया, वो हमसे पहले घर पे चला गया, क्योंकि मैं थोड़ा भाजी लेने गई थी, मैंने पालक ले दिया, सुबह एक ही पालक की गड्डी लाई, अभी याद आई रात को, चलो पालक पनीर बनाते, परोश बहुत दिन से लगा है, वैसे तो कल इन्होंने पालक के पनीर के पराठे खाए, लेकिन पालक पनीर खाना है वाली इनको, तो मैंने बोला चल पनीर अब शाम को लेगी, पालक लेने गई तो अच्छा वाला ख़त्म हो गया, तो मैंने बोला शाम को लेती हूँ, जाने दो दुकान में, क्योंकि धूप में इतने हालत ख़राब हो गई। अब आए मैं यहाँ पर सीढ़ी पर बैठी हूँ फर्स्ट फ्लोर पर, अब ना घर है, गुड़िया को भी भेज दिया घर है, परवेश ने यहाँ पे सीढ़ी में बैठी, थोड़ा यहाँ पर ठंडा है, ये अपनी सोसाइटी में आ गई ना, फर्स्ट फ्लोर पे अपना घर है, तो मैंने बोला यहीं से मैं आपसे बात कर दे रूबरू हो जाती हूँ, थोड़ा ब्लॉग की शुरुआत भी आज स्कूल से ही करी जब घर आ रहे थे, क्या करूँ टाइम भी नहीं लग रहा, अब तो मेरी हालत ज़्यादा ख़राब होने वाली थी, वही मैं कल बोल रही थी जो मोटापा आई है आजकल, अभी मेरी सिट्टी पिट्टी गोल होने वाली है, क्योंकि ट्यूशन भेजना, स्कूल भेजना, लेने जाना, एक को छोड़ो दूसरे को लाओ, अब दिन भर भागने का टाइम, घर का भी करना है, बाहर का भी करना है, अकेली हो गई, तबीयत बराबर नहीं, कल भी मेरी तबीयत अचानक सुबह ख़राब हो गई थी, क्या पता बीपी हाई हो गया था, घबराहट हुई मैं तो बहुत ज़्यादा, जैसे बिस्तर से उठी मेरे को धक्के लगने बैठ गए, क्योंकि मैं खड़ी होने भी नहीं पा रही, इतनी कंपन हुई मेरे को, तो लेट गई मैं 10-15 मिनट, मैंने थोड़ा आराम करती रिलैक्स हो जाएगा, तो चलो चलती हूँ घर पे, लोग भी आ रही इधर आगे से, हो गया दोपहर का 1 बज गया है, मैं आ गई अपने प्यारे से किचन में और बना रही दोपहर का लंच, बच्चे तो मना कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दाल और थोड़ा सा भात और थोड़ा सा रोटी, जगदीश ने भी नाश्ता नहीं किया, जगदीश उठ गया, उसके लिए पहले पराठे बना देते, क्योंकि 1 बजने बैठ गया, तो पहले पराठे बनाती हूँ उसके बाद खाना बनाती हूँ, और गर्मी से हाल बेहाल हो गया, तो मैंने बोला चलो थोड़ा इधर से भी रूबरू कर देती हूँ आपको, चलो बने रहे वीडियो में। तो इधर मेरा ये सब खाना बनने बैठ गया, इसमें मैंने ये भात रखा, ये दाल रखी, ये तवा रखा है, इधर मैं रोटी बनाने बैठी हूँ। रात का बज चुका है 7:30, मैं आ गई अपने प्यारे से किचन में, बना रही रात का खाना, यानी कि रात का डिनर, इतनी इंग्लिश मेरे को बोलने आती भी नहीं, पर जो भी है रात का डिनर बनाती हूँ, डिनर में बना रही हूँ मैं, दाल बना रही हूँ, मेथी की भाजी बना रही, रोटी बना रही, और जगदीश के लिए स्प्राउट बॉयल कर रही हूँ, उसके बाद अपने लिए मैं गाजर और बीटरूट भी बॉयल करेगी। तो इधर मैंने स्प्राउट रखे थे, ये उबलने बैठ गया, इधर मैंने आलू डाल दिए पहले, क्योंकि आलू को पहले मैं लाल करेगी, उसके बाद ये कांदा काट के रखा है, इसको भी इसमें डाल देती हूँ, ऐसा मारना पड़ता है। इधर मैंने आधा मेथी काट दी है, आधा मेथी ये काटने के लिए रखी है, जो मेथी काटी है ना वो इधर रखी ना, परात में कुछ नहीं है, ये देखिए अभी मेरा चौका ना खाना बना रही, तो ऐसा पहला पड़ा है,
अब बाद में इसको साफ करेंगे, पहले बाजे रख देती हूँ क्योंकि अभी मैं बाहर गई थी बाजी उजी लेने के लिए, काम भी था तो आते आते मुझे लेट हो जाती, नहीं तो मेरा अभी तक मेरा खाना बनने बैठ जाता है। वैसे भी मेरी दाल बॉयल हो गई, इधर मैंने प्रेशर पे बॉयल कर दिया है दाल, इधर मैंने भाजी काट के रख दी है और इधर मैंने कढ़ाई रख दी है। तो फटाफट मैं पहले खाना बनाती हूँ, उसके बाद पानी आएगा। आज अचानक से पानी, कल से बोला कि पानी कंटिन्यू आएगा, कल क्योंकि 10 बजे तक पानी आ रहा था, बोला कंटिन्यू पानी आएगा, लेकिन आज क्या हो गया 2 बजे मैसेज आया कि पानी चला जाएगा, क्योंकि दोपहर को पानी नहीं आया आज, नहीं तो जो सिरको का पानी आता है ना वो नहीं आया, तो 2 बजे पानी बंद हो गया। अचानक मैसेज भी आया, उन्होंने पानी बंद कर दिया, 2 बोतल भी नहीं भरी, बाकी को पानी मैंने ये टंकी मटका बोतलें तो सुबह में भर लेती, लेकिन दिन भर पीते हैं ना पानी को, इतना ज़्यादा पीते पानी, इतनी गर्मी हो कि एक ही बार में एक ही बोतल भर, तो सब खाली हो गई है। अभी जब जिसने मतलब बाई मिस्टेक से इधर जूठी बोतल का पानी डाल दिया, बोलता मम्मी ये तो भर गया, मैंने इसमें मैंने अभी पानी निकाला था, कल ही भरा था मैंने रात को, फिर 24 घंटा पानी आ रहा था, इसका पानी यूज़ भी नहीं किया था, उसने अपनी बोतल में से इसमें डाला पानी, जो आधी बोतल उसने पिया था, अब फ्रीज का ठंडा पानी निकाला अपनी बोतल में डाल दिया। हे भगवान, मैंने क्या करो, मेरी डबल आपात हो गई। अगर अभी आधा घंटा पानी आता ना 8 से 8:30 तो पानी आएगा, तो पहले मैं इसको भरती हूँ। अभी बोल रहा मेरे को कुछ खाना नहीं चाहिए, उसके लिए मैंने खाली स्प्राउट बॉयल करे हैं, और जब परवेश ने खुशी ने मैगी मंगाई है 2 जन के लिए खाना बना, मैं भी खाएगी एक रोटी, तो ठीक है, नहीं तो खाली दाल भी, क्योंकि आजकल खाना पाचन नहीं हो रहा तो तबीयत ख़राब हो रही, तो 1 जन के लिए खाना बना, भाजी बन जाएगी, दाल बॉयल हुई है, दाल में खाली तड़का लगाने मसाला मसाला मैंने डाल दिया, पहले इसको मैं भाजी रखती है और इसको खाली कर देती क्योंकि पानी आने वाला है, बोतलें भी बनी है, गुड़े भी नीचे खेल रही, तो चलो वीडियो में बने रहे